कल का सफर काफी थकान भरा था। मुक्तिनाथ से पोखरा तक सारा कच्चा रोड, काफी सारा थक गए थे। आते ही डिनर भी नहीं किया, वैसे ही सो गए। अब निकल रहे हैं यहाँ से काठमांडू के लिए। ये है जी एशियन होटल का रेस्टोरेंट। अभी हमने रूम का हिसाब नहीं किया है यहाँ पर, अभी रूम का हिसाब करके निकलेंगे यहाँ से। कति भयो नानी हमरो इजू को। होटल का हिसाब करने के बाद अब निकलते हैं काठमांडू की ओर। यह है होटल, एशियन होटल, साथ में पेट्रोल पंप है। ये भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है और ये अपना जहाज मिट्टी से लथपथ। इसको ढोने के भी 1000 रुपये लग ही जाएंगे मेरे को लगता है। काठमांडू में बहुत मिट्टी लग गया है। अभी हम विकास हाईवे होटल में नाश्ते के लिए रुके हैं। यहाँ थोड़ा नाश्ता चाय करके निकलेंगे। यह है विकास होटल। यह है होटल का किचन। कुक साहब रोटी बनाने में बिजी है अभी। यह है जी चने की सब्जी, रोटी, एक स्प्राइट, एक एक अंडा मांगा था, अंडा भी दिया नहीं। चने का सब्जी भी और सूप वाला मांगा था, लेकिन पता नहीं अभी ऐसे सूखा जैसा दे दिया। अब देवराली से निकल रहे हैं मनकामना मंदिर की ओर। केबल कार की ओर जाने का डाइवर्शन है ये। अब हम यहाँ नीचे से गाड़ी पार्क करके मनकामना दर्शन के लिए केबल कार से होते हुए जाएंगे। इसमें हमारे दो काम हो जाएंगे एक साथ, केबल कार का सवारी भी हो जाएगा और मनकामना मंदिर दर्शन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे हमारे। ये है जी केबल कार का टिकट काउंटर। अभी हम सही टाइम पर पहुँचे हैं, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यहाँ पर। टाइमली हमें टिकट भी मिल जाएगा और ऊपर को सही टाइम पर पहुँच भी जाएंगे। यह है अंदर जाने का रेलिंग बनाया हुआ है और ये देखिए आगे से आ गया है हमारे लिए। ये केबल कार का आखिरी पड़ाव है जी, यहाँ हम उतरेंगे। बाकी देखते हैं आप। नीचे वापसी जाने वालों का काफ़ी लंबा लाइन लगा है, देखिए। अब हमें भी इसी लाइन में लगना पड़ेगा दर्शन के बाद। ये दो मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले रहे हैं अभी। देखिए एक साथ में दो दो तीन दिन प्रसाद थमा रहा है।
ये है जी मनकामना मंदिर। देखिए भीड़ बहुत लगी है, मंदिर का एक राउंड पूरा हो गया। पीछे को देखिए काफ़ी लंबा लाइन है। यहाँ दर्शन मिलना तो बहुत मुश्किल है। किसी ने बताया कि सीनियर सिटीजन को बिना लाइन में लगे दर्शन करा देते हैं, तो मामा को मनकामना का दर्शन करा के हम बाहर से ही हाथ जोड़ के निकलेंगे। मंदिर दर्शन के बाद वापसी की लाइन में लगे हैं। देखो हमारे से आगे कितने हैं, कम से कम 5 लाइन है। एक लाइन में 100-100 आदमी तो होंगे मेरे ख्याल से। हमें यहाँ भी 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, 1-2 घंटा केबल कार तक पहुँचने में। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ से टर्न करना है, ये फिर दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, और फिर लग रहा है चौथा टर्न। चौथा टर्न के बाद जाके हमारा नंबर लगेगा। लंबे संघर्ष के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं केबल कार तक। कम से कम 1.5 घंटा हमें खड़े खड़े बैठना पड़ा। सीटी की रफ्तार से रेंगते हुए 1.5 घंटे में हम यहाँ पहुँच रहे हैं। अब तो यहाँ आ ही गया हमारा बारी, इसमें नहीं अगले वाले में जाएंगे हम। इसमें तो पूरा हो चुका है, अगले इसमें जाएंगे। इस बार हमें नए पासवर्ड मिले हैं जाने के लिए।